Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. नहीं, नहीं मुझे जाना होगा। क्यों? क्यों जाना होगा? ये सज्जा आपको अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं नहीं, अच्छी है। किंतु वो घर पर। नहीं, मैं आज कुछ नहीं सुनना चाहती। ये सब इसलिए नहीं किया मैंने कि आप इतनी शीघ्र चले जाएं। गोविंद प्रणाम प्रभु। आपकी और आपकी भक्ति की चर्चा तो बहुत सुनी है स्वामी, किंतु अभी तक आपके दर्शन नहीं हुए। कहाँ हैं आप? अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? जी आ गए। अभी तक नहीं आए जमाई जी? पूरी रात घर से बाहर रहे हैं। नहीं बुआ, आपने उचित ही समझा था। कुछ बात तो है। कहाँ है आपका पुत्र? क्षमा चाहती हूँ, मैं नई बहू हूँ, इतना बोलना मुझे शोभा नहीं देता। परंतु जब पीड़ा असहनीय हो तो चीख निकल ही आती है। विवाह के बाद प्रथम रात्रि में कौन पति अपनी पत्नी को यूं अकेला छोड़ के जाता है भला? कल मैंने कुछ नहीं कहा, ना ही आपसे कुछ पूछा, परंतु आज मैं पूछती हूँ, कहाँ है वो? कोई मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहा है? क्या क्या कुछ ऐसा है जो आप हमसे छुपा रहे हैं? ना 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 ना, अब आप चुप नहीं रह सकते। बताइए, रात बीत गई, आपका पुत्र घर नहीं आया, कहीं आपके हाथ से निकल तो नहीं गया? वो आप शांत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और भाभी, आप विचलित मत होइए। पुंडलिक भाऊ जो कुछ भी करते हैं एक निष्ठ होकर करते हैं, उसी में खो जाते हैं। समय तक का ध्यान नहीं रहता उन्हें। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें लेकर आऊंगा। तो
जाओ ना, प्रतीक्षा किस बात की, ध्यान दिला उन्हें, पूरा एक दिन और रात बीत चुकी है। चाहिए देवर जी, मेरे पति को मेरे पास ले आइए, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे स्वीकार ही नहीं करना चाहते। भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी गया और उन्हें लेकर आता हूँ। आप इनसे कुछ मत कहिएगा, अन्यथा घर बसने से पहले ही टूट जाएगा। मैं वचन देता हूँ कि मैं भाव पुंडलिक को साथ लेकर ही लौटूंगा। पुत्री मालती, तुम अपने कक्ष में जाके प्रतीक्षा करो। मैं यही बैठी रहूंगी, आने दो उन्हें, मैं ही पूछूंगी रात भर कहां थे जमाई राजा। कहां होंगे पुंडलिक भाऊ, कहां ढूंढे उन्हें मैं? आज मैंने उसे दयाकर पुष्पों वाले के साथ जाते हुए देखा था। और कहां जा रहा होगा वो, रंगालय के सिवाय? दयाकर, दयाकर भाऊ कहां है आप, उत्तर दीजिए। दिखाई नहीं देता क्या, दुकान बंद है, कल आना। नहीं नहीं सुनिए मेरी बात, मुझे आपसे कुछ सहायता चाहिए। सहायता भी कल भोर में ही मिलेगी। भोर तो हो चुकी है, बहुत आवश्यक बात है दयाकर भाई, मुझे अपने भाऊ पुंडलिक के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। आपको तो पता होगा वो कहाँ है, मुझे बताइए ना। इतनी भोर में क्यों ढूंढ रहे उसे, क्या हो गया? क्या हो गया, पुंडलिक भाऊ की पत्नी मेरी भाभी आज पहली बार घर आई है और वो घर पर ही नहीं है। क्या, तो क्या वो विवाहित है? हाँ, उनका विवाह तो बचपन में ही तय हो गया था, किंतु भाभी आज मायके से विदा होकर आई हैं। मुझे पुंडलिक भाऊ को घर ले जाना होगा, उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, और हो भी क्यों ना, यहाँ बहू रानी घर आ गई और पुत नदारद है। शीघ्रता कीजिए ना दयाकर भाऊ, मुझे बताइए ना कि वो कहाँ है। सहायता तो मैं कर दूंगा, किंतु उससे मेरा क्या लाभ? ये लीजिए, ये सब आप रख लीजिए, आप तो मुझे बताइए ना कि चंद्रकला का रंगालय कहाँ है। सीधा जाओ, फिर दाहिने मुड़ना, फिर नीम का पेड़ पार करके तुम चंद्रकला के रंगालय पहुंच जाओगे। धन्यवाद। ओहो, अब मिला है अफसर। मैं छोटे मार्ग से जाकर केत की बाई को सावधान करता हूं, तब समझेगी वो मेरा महत्व। शीघ्र कुछ करो केत की भाई, वो पुंडलिक को ढूंढता हुआ कभी भी यहाँ पहुंच जाएगा। दया कर, तुमने उसे यहाँ का पता तो नहीं बताया? ये क्या कह रही हो केत की भाई, मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? पर किसी का भी पता निकालना कठिन थोड़ी ना है। जैसे पूछता हुआ मेरी दुकान तक पहुंच गया था, वैसे ही पूछता हुआ यहाँ तक भी पहुंच जाएगा। मुझे तो लगता है केत की भाई वो पुंडलिक को ढूंढ के ही मानेगा। प्रहरियो, जो भी आए उसे भीतर आने मत देना। देखा केतकी भाई, मैंने कहा था ना, उचित समय पर तुम्हारा साथ दयाकर ही देगा। भाऊ, पुंडलिक भाऊ, रुको, तुम भीतर नहीं जा सकते। जाने दो मुझे, मुझे भीतर जाना है, मेरे भाऊ है भीतर, मुझे उसे बात करनी है। तुम नहीं जा सकते। आज तो ये संदूक पाना है मुझे। केतकी भाई, सूचना मैंने पहुंचाई है तो इसका पुरस्कार भी मुझे ही मिलना चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? ये संदूक। उचित, ले जा। मूर्ख दया कर, कुछ नहीं पाओगे तुम। मेरे भाऊ हैं भीतर, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे पता है कि वो यही हैं। हट जाओ, तुम नहीं जा सकते। मैं भीतर जाते ही रहूंगा आज। कहना नहीं जा सकते।
इतना समय बीत गया, ना देवर जी आए ना ही स्वामी आए। कुछ भी हो जाए, तुम लोग मुझे यहाँ कितना भी रोक लो, किंतु आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ। पुंडलिक भाऊ को लिए बिना आज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। भाऊ, पुंडलिक भाऊ, भाऊ, पुंडलिक भाऊ, मैं दिवाकर हूँ, बाहर आइए भाऊ, आज आपके माता पिता का सम्मान आपके हाथ में है, बाहर आइए भाऊ। नहीं, कोई नहीं ले जा सकता मेरे पुंडलिक को, मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। भाऊ बाहर आइए, भाऊ। प्रणाम। कोई पुंडलिक नहीं है यहाँ पर, जाओ, चले जाओ यहाँ से। नहीं, सत्य नहीं, असत्य है ये, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा यहाँ से। आप भीतर नहीं जाने देंगे मुझे तो मैं यही बैठा रहूंगा, भूखा प्यासा, किंतु यहाँ से लौटूंगा नहीं मैं। इसका ये कोलाहल पुंडलिक तक पहुंच रहा है, मुझे कुछ करना होगा। बाहर आइए भाऊ, जब तक आप नहीं आएंगे मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। पुंडलिक भाऊ, बाहर आइए भाऊ। हे प्रभु, आपका ही आसरा है, आपने सदा हमारी सहायता की है, तो आज भी आप ही हमारी नैया पार लगाइए। इस बार पुत्र पुंडलिक घर लौट आया तो वो फिर ना जाए, हम पर कृपा कीजिए प्रभु, पुत्र दिवाकर उसे ढूंढ ले और घर ले आए। हम पर कृपा कीजिए प्रभु, पुत्र दिवाकर उसे ढूंढ ले और घर ले आए। भगवान अपने भक्त की सच्ची पुकार कभी अनसुना नहीं करते, मुझे भी सुननी ही पड़ेगी। पुंडलिक भाऊ, भाऊ मेरी बात सुनिए, भाऊ बाहर आइए। चलो चलो यहां से, छोड़ो मुझे, अपने भाऊ से मिलना है। चलो यहां से, छोड़ो मुझे। भाऊ मेरी बात सुनिए, भाऊ बाहर आइए। उत्तम चरित्र और आचरण उसी के होते हैं जो सत्कर्म करे, कुकर्म को अपने नजदीक भी ना आने दे, जो धर्म का पालन करे और अधर्म से लड़े। मैं अपने गोविंद को साक्षी मानकर प्रण लेता कि आज मैं कहीं नहीं। पुंडलिक भाऊ, 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 देखो ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, बाहर आओ, रोको इन्हें। आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। पुंडलिक भाऊ, भाऊ, पुंडलिक भाऊ, मुझे जाना ही होगा, मेरा अनुज मुझे पुकार रहा है। आप भूल रहे हैं, आपने कहा था आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो आपको मेरा कहना मानना ही होगा। प्रेम तो मुक्त कराता है, बंदी नहीं बनाता। तुम मुझे अपने बंधन में बांध के यहां नहीं रख सकते। पुंडलिक,
कर रहे हो ये? दिवाकर, यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो? ये तो आपको भी ज्ञात है भाऊ, अब विलंब मत कीजिए, चलिए यहाँ से, अन्यथा आपके माता पिता लज्जित होकर आज अपने प्राण त्याग देंगे। आज ये माता पिता तुमसे भिक्षा मांगते हैं, आज हमारी लाज रख लेना पुत्र, आज कहीं मत जाना। आज और कुछ सोच विचार करने का स्थान नहीं है भाऊ, विचार करना ही है तो बस ताऊ जी और ताई जी का करिए। रुक जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। महान बनते हो, धर्म कर्म पर भरोसा करने वाले बनते हो, और आपका पुत्र उसके ऐसे आचरण अपनी नई पत्नी को प्रतीक्षा करवाकर घर से दूर कहीं और रहा रात भर। व्यर्थ करने को अब एक पल भी नहीं है भाऊ, आज उनका मान बस आपके हाथों में है, और मान खोकर अपमानित होकर जीवित भी रहे तो कभी सर उठाकर जी नहीं सकेंगे, और ऐसा अपमान कि उनकी नई नवेली बहू रानी घर पर है और पुत्र अभी तक लौटा ही नहीं। सोते जागते खाते पीते पल पल बस आपकी ही प्रतीक्षा में है आपकी पत्नी। पत्नी? आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं, कहाँ हैं वो? देवर जी इतने समय पहले गए थे तो उन्हें लेकर अभी तक लौटे क्यों नहीं? मुझे जाना होगा, ये अत्यंत आवश्यक है। तुम चिंता मत करो, मैं लौट कर अवश्य आऊंगा। ये वचन देता हूं मैं तुम्हें। मैं आपके पुत्र वधू हूं, आपके पुत्री समान आज मैं आपके घर आई हूं। क्या हमारे संबंध का आरंभ इस प्रकार से होगा? क्या आप मेरे पति अपने पुत्र की सच्चाई को मुझसे छुपा कर रखेंगे? बताइए ना, कहाँ है वो? पुंडलिक, बंदी नहीं बनाता। तुम चिंता मत करो, मैं लौट कर अवश्य आऊंगा। सोते जागते खाते पीते पल पल बस आज की ही प्रतीक्षा में है आपकी पत्नी। पुत्री। माँ, मुझे ऐसा आभास हो रहा है
जैसे आज जाने के बाद पुंडलिक कभी नहीं लौटेगा। बताइए ना, कहाँ है वो? ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं जिसमें वो इतना व्यस्त हैं कि अपनी पत्नी से मिलने तक का समय नहीं है उनके पास? बहू रानी से अब और सत्य नहीं छिपा सकता गोपाला। ये सब जानकर बहू को अपार दुख तो होगा, किंतु मुझे अब इसे सत्य बताना ही होगा। मुझे क्षमा कर देना पुत्री, मैं तुम्हारे पति को ऐसा शिष्टाचार है, लगता है जैसे इसे साधारण शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं। भाभी है बहू, आपकी पत्नी देवी मालती। मेरी पत्नी? मदिरा की लड़खड़ाहट है इसकी चाल में। भाव के केशों में पुष्प पंखुड़ियां हैं, कुर्ते पर सुर्खी। भाभी देखते ही समझ जाएंगी ये रात भर कहां थी। हे प्रभु गोपाला, आपको अनेकों धन्यवाद कि हमारा पुत्र घर तो लौट आया। क्या हुआ पुत्र? एक बार उसे देख लोगे, उसे भेंट कर लोगे तो तुम भी उसे दूर नहीं जाना चाहोगे। सत्य है, अद्भुत है इसका सौंदर्य। जो सुना था वो सत्य है, अद्भुत है, अति आकर्षक है इनका व्यक्तित्व। तुम्हारे जितनी प्रशंसा सुनी थी उससे भी अधिक सुंदर हो तुम। मैंने भी जितना सुना था आप उससे अधिक मनमोहक है। भाऊ, नहाने के लिए जल गर्म हो गया है। दिवाकर ठीक कह रहा है, मुझे स्नान कर ही लेना चाहिए। अरे उसे देखते ही उसके प्रेम में पड़ गई। क्या तुझे वो नहीं दिखाई दिया जो मैंने देखा? मैंने उनके केश में पुष्प की पंखुड़ियां देखी, उनके कुर्ते पे सुर्खी और उनके सांस में भी मदिरा की गंध आ रही थी। इसका एक ही अर्थ है बुआ, जब मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही थी तब वो अन्य स्त्री के साथ थे। व्यर्थ में अपना समय बर्बाद मत करो, वो अब किसी और का है, उसकी पत्नी आ गई है, वो उसे अब यहां नहीं आने देगी। पर जो भी हो, अब मैं आ गई हूं ना, तो अब मैं उन्हें कहीं जाने नहीं दूंगी।
आप तो जानती हैं ना बुआ, मैं जो मेरा है उसे कभी किसी के साथ नहीं बांटती। पुंडलिक मेरा है, बस मेरा अधिकार है उस पर, मैं उसे नहीं खो सकती। फिर उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, उसे तो मैं पाकर ही रहूंगी। मैं अपने पति को अपने से दूर नहीं होने दूंगी, उन्हें किसी भी अन्य स्त्री के साथ नहीं जाने दूंगी। अब वो मेरे साथ रहेंगे, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मकड़ी जाला बुनती है तो उसमें जो कीट फंसता है बस फड़फड़ा कर ही रह जाता है, निकल नहीं पाता उससे। उसी प्रकार मेरे प्रेम पाश में जो बंधता है बस बंद कर रह जाता है। पीजी स्वामी, मैं आपके केस सुखा देती हूँ। पति पत्नी के बीच की मधुरता और स्नेह दोनों को एक दूसरे के निकट ला रहे थे। एक ओर मालती अपने पति की भूलों को भूलकर सुखी विवाहित जीवन की कामना कर रही थी, वहीं पुंडलिक अपनी पत्नी मालती पर मोहित हो चुका था। मैंने भी जितना सुना था आप उससे अधिक मनमोहक है। गोविंद की दृष्टि मुझ पे क्यों टिकी है? ये यहां कैसे पहुंच गया? स्वामी दूध लीजिए। प्रतीक्षा की अग्नि जला रही है मुझे। कहाँ हो पुंडलिक, क्यों नहीं आए, भूल गए अपनी चंद्रकला को? मेरे जीवन में एक उपहार बन के आई हो तुम, इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी तुम्हें एक उपहार दूं। वचन दिया था तो अब उसे निभाना होगा, तुम्हें आना होगा, मुझे तुम भूल मत जाना पुंडलिक। पुंडलिक तो जैसे चंद्रकला को भूलकर पूर्ण रूप से अपनी पत्नी का हो चुका था। किंतु प्रभु, ये तो अच्छा ही हुआ था ना कि वो अपने पत्नी के प्रति प्रेम भाव से भर रहा था, इसलिए अपने घर और परिवार के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने लगा होगा। नहीं, परिवर्तन यदि व्यक्ति को सुमार्ग और सुविचार की ओर ले जाए तो उससे उत्तम कुछ भी नहीं, और परिवर्तन यदि भूल पर भूल करवाए तो उससे अधिक बुरा कुछ भी नहीं। प्रेम
प्रेम और संबंध का आधार कभी भी छल और छलावा नहीं हो सकता और ऐसा विचार रखने वाले व्यक्ति सच्चे सुख से वंचित रह जाते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।